गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 से संबंधित हम अध्याय 11 के अंदर परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित पढ़ रहे थे। पिछली क्लास के अंदर हमने परिमाप के संबंधित सूत्र और उनसे संबंधित प्रश्न किए थे, समझे थे। आज हम क्षेत्रफल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रफल, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले दिमाग में ही ध्यान रखना, क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल कोई भी आकृति होती है, उस आकृति के अंदर का जो भाग कहलाता पूरा, वो भाग कहलाता है क्षेत्रफल। कैसे, एक चित्र से समझेंगे हम। ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर वाला जो भाग है ये वाला पूरा, ये जो भाग है इस भाग को कहते हैं क्षेत्रफल। यानी आकृति बंद होनी चाहिए तभी होगा अंदर का भाग, एक साइड से आकृति खुली हुई होगी तो क्षेत्रफल नहीं कहलाता है। तो कोई भी आकृति हो, उस आकृति के अंदर का जो भाग कहलाता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। एक और चित्र से समझो, ये जो भाग कहलाता है क्षेत्रफल, क्या कहलाता है क्षेत्रफल। आकृति कोई भी हो सकती है, त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, सम चतुर्भुज हो सकता है, कोई भी आकृति हो जो उसके अंदर का भाग जो घेरता है, अंदर का जो भाग घेरता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं। और ये जब स्टार्ट होता है यहाँ से, ये इसकी कहलाती है बाउंड्री, और बाउंड्री का मतलब तो उसका कहलाता है उसका परिमाप, यानी दूरी कहलाती है, ये उसका परिमाप कहलाते हैं। तो क्षेत्रफल की परिभाषा है ऐसी मंद आकृति, ऐसी बंद आकृति, ऐसी बंद आकृति के द्वारा घेरे गए तल को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की परिभाषा क्या होता है, ऐसी बंद आकृति के द्वारा घेरे गए तल को क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब बंद जो आकृति है, ये जो बंद आकृति है यहां से इसके अंदर का जो भाग कहलाता है ये कहलाता है इसका क्षेत्रफल। मतलब घेरे गए क्षेत्र, घेरे गए तल, ये पूरा का पूरा कहलाता है तल, इसको ही कहते हैं क्षेत्रफल। ऐसी बंद आकृति के द्वारा घेरे गए तल को क्षेत्रफल कहते हैं। एक त्रिभुज का चित्र है, ये वर्ग का चित्र है, ये आपकी आयत का देख लें, ये आपकी आयत का, ये जो भाग अंदर का है इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। ये भाग कहलाता है आपका क्षेत्रफल। पर ये ध्यान रखना है, क्षेत्रफल करने से पहले, क्षेत्रफल को समझने पहले इसके सबके अलग अलग सूत्र होते हैं, उन सूत्रों को दिमाग में रखना है। त्रिभुज का क्या होता है, वर्ग का क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, या फिर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो सबके सूत्र तो अलग अलग होंगे, क्यों, क्योंकि आकृति अलग अलग होती है इसलिए। तो सबसे पहले अब हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं सूत्र, सूत्र सबसे पहले सूत्र समझते हैं, पढ़ते हैं। ये हम सिक्स क्लास के अंदर ऐसे पढ़ चुके हैं सूत्र के बारे में, वर्ग का और आयत का, ठीक है ना। तो सबसे पहले वर्ग के बारे में ध्यान रख रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र, सूत्र होता है इसका भुजा इंटू भुजा,
सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। क्यों होता है? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा सभी बराबर होती है, समान होती है, इसलिए इस भुजा का इस भुजा से गुणा किया जाता है, वही कहलाता है वर्ग का क्षेत्रफल। नंबर दो, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? इसमें ध्यान रखना है, आयत का एक लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई होती है, और दोनों नाप ही क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इसका सूत्र बनता है लंबाई इंटू चौड़ाई, जिसके आधार पर इसके अंदर का भाग का क्षेत्रफल आ जाता है इस सूत्र के द्वारा। वर्ग के आधार पर भुजा इंटू भुजा है, और आयत के आधार पर है लंबाई इंटू चौड़ाई है। उसके बाद है समांतर चतुर्भुज। ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज की आकृति, समांतर की आकृति ये होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसे आयत के अंदर होता है उसी तरह समांतर चतुर्भुज में भी होता है। और दूसरा साथ में क्या होता है? ये पैरेलल चलती है, समांतर रेखाओं में चलती है, ये और ये भुजा, दूसरी ये और ये भुजा, हमेशा समांतर चलती है। तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इसका सूत्र है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब थोड़ा यहां पे ध्यान रखना, इस सूत्र के अंदर आपने ये तो समझ लिया कि आकृति कैसी होती है, लेकिन आप ये कहोगे इसके अंदर ये आकृति, ये भुजा, सॉरी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा समान होगी, तो इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अब दिमाग में रखना, ये आधार का है, ऊंचाई का है। जहां पर आधार है, जहां पर आधार है उसी के ऊपर एक लंब होता है, सीट्स लंब कहते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, एक लंब होता है, इसी को हम कहते हैं ऊंचाई। ये क्या कहलाती है? इसकी ऊंचाई कहलाती है, और ये आपका आधार होता है। हमेशा ध्यान रखना, जहां पर आधार है उसी के ऊपर ही लंब होगा, तो ही सूत्र लागू होता है, नहीं तो नहीं लागू होगा। क्योंकि आधार आपका यहाँ है, आपने यहाँ कर यहाँ से कर दिया, जैसे मैंने यहाँ बता दिया आपको इस तरह से, नाप यहाँ का दे रहा आधार में और आपकी ऊंचाई यूं है, ये सूत्र लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहां पर आधार है उसी के ऊपर ही बनता है उसका लंब। एक तरह से वापस चित्र समझ लें, समलंब का, सॉरी समांतर चतुर्भुज का, क्योंकि समलंब में भी अलग अलग होगा, समलंब के अंदर भी होता है। हमें इस क्लास से संबंधित जो है उसको दिमाग में रखना है। देखो इधर ये आकृति है, तो ये आधार होगा, ये आधार है और ये आपकी ऊंचाई, तो इसके आधार पर सूत्र सीधा ही बनता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। यदि किसी ने कह दिया सर आकृति इस तरह से न होकर तो ऐसे हो, तो इसमें जैसे मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है, तो आपका आधार ये होगा और ऊंचाई ये कहलाएगी। आधार ये होगा और ऊंचाई वो होगी, तो जैसी आकृति होगी उसी हिसाब से आपको सूत्र लगाते हुए हल करना है। आधार आपका यहां दे रहा और ऊंचाई यूं दे रहा है, तो ये सूत्र काम में नहीं आएगा। आकृति का हमेशा ध्यान करना कि आधार जहां पर है उसी के ऊपर ही लंब होता है, तब ये सूत्र काम में आता है, नहीं तो फिर क्या उसको प्रश्न को आपको दो, एक ही प्रश्न के अंदर दो तरीके दो प्रश्न पूछ सकते हैं एक ही प्रश्न से संबंधित। ठीक है, ये है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है आधार इंटू ऊंचाई। अब आपको दिमाग में रखना है त्रिभुज का, इसी के आधार ही रहता है। यहां पर क्या होता है? एक विकर्ण डाल देता है। क्या डालता है? विकर्ण। ठीक है, तो आपके आकृति आप दो त्रिभुज बनाए, एक ये एक ये, ठीक है, तो यहाँ पर आधार तो यही है और ये क्या आपकी ऊंचाई, लेकिन इस समांतर चतुर्भुज का क्या हो गया? आधा हुआ ना, तो त्रिभुज का सूत्र क्या होगा? त्रिभुज का
क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 × आधार × ऊंचाई, 1/2 × आधार × ऊंचाई। ये ध्यान रखना है। देखो समांतर का मतलब होता है आधार इंटू ऊंचाई, और समांतर के अंदर जब जैसे ही हमने एक विकर्ण डाल दिया तो इसका मतलब वो क्या आधा हो गया, आधा होने का मतलब वो त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज का सूत्र बनता है 1/2 × आधार × ऊंचाई। तो इस तरह से क्षेत्रफल से संबंधित हमने चार सूत्र पढ़े अभी, एक वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरा आयत का क्षेत्रफल, तीसरा समांतर चतुर्भुज का, और चौथा है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। अब इससे संबंधित अब कुछ प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे, इससे संबंधित हम प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से किया जाता है एक प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है नंबर 1, आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर व चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, कितनी 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी हमने समझे थे, याद किए, याद करें सूत्र को। जब तक आप सूत्र को याद नहीं करोगे तब तक आपको ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। इसलिए इसमें कहते हैं कि परिमाप और क्षेत्रफल से संबंध आपको सूत्र याद है तो आप प्रश्न को हल आराम से कर सकते हैं। तो प्रश्न सॉल्यूशन करते समय ध्यान रखना है लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप क्या करना है, आयत की लंबाई लिख दे वापिस, प्रश्न के हिसाब से जो संख्या है उसी को ध्यान रखना। यूं नहीं प्रश्न में क्या लिखा आपने क्या लिख दिया, अलग नहीं होना चाहिए। आयत की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर, फिर आयत की चौड़ाई इसमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ज्ञात क्या करना है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसको शॉर्ट में लिख सकते हो L × B। L का मतलब लेंथ होता है, B का मतलब था ब्रेथ, B का मतलब क्या होता है ब्रेथ। अब लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान रखना है इकाई के अंदर, यहीं पर कंफ्यूजन होते सर इकाई क्या होगी, जो प्रश्न में इकाई है वही आएगी, लेकिन क्षेत्रफल के अंदर दिमाग में रखना है इस क्षेत्र सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर है, या हिंदी में कह सकते हैं वर्ग सेमी। ये ध्यान रखना दोनों में कोई एक लिख सकते हैं, या तो इंग्लिश का लिखो या हिंदी का, दोनों नहीं लिखना, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। और 20 का 15 से गुणा कर दोगे आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका होता है, आयत की लंबाई लिख दी, आयत की चौड़ाई लिख दी, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हुए दोनों का आपस में गुणा करोगी। मेन चीज ध्यान रखनी है इसकी इकाई को, यह है नंबर 1। नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 में ध्यान रखना है, प्रश्न नंबर 2 क्या है, Thank you.
तो नंबर दो प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर है, कितनी 25 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, वर्ग की भुजा ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल। तो सॉल्यूशन में लिखो लिखो के वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 25 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या लगाना सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में करके, इक्वल में करके सूत्र लगा दो, भुजा इंटू भुजा करो या भुजा स्क्वायर कर दो, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की भुजा सेम होती है, इसीलिए अलग अलग होती है तो हम नहीं कर सकते। तो संख्या आपकी भुजा के रूप में है 25 का स्क्वायर, क्या है 25 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 25 को कितनी बार लिखना है, दो बार लिखना है, 25 इंटू 25, इकाई को ध्यान रखना है, 25 का 25 से गुणा करते हैं 625 आता है, लेकिन ध्यान रखना सेंटीमीटर है, तो हिंदी यहां पर क्या लिखोगे इकाई के रूप में, सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे पहले जस्ट पहले मैंने समझाया था हिंदी के अंदर वर्ग सेमी या मीटर है तो वर्ग मीटर लिखा जाएगा। तो इस तरह से एक प्रश्न को हल करने का तरीका होता है, यह है नंबर प्रश्न नंबर दो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीन और लास्ट प्रश्न इसका आज, प्रश्न नंबर तीन में ध्यान रखोगे, एक त्रिभुज की त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार ये 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखो सबसे पहले लिखोगे त्रिभुज का आधार बराबर, त्रिभुज का आधार बराबर 10 सेंटीमीटर, फिर है त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर, और तब आप क्या करोगे सूत्र लगा दोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करके 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो ध्यान रखना है 1/2 इंटू आधार कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब देखो यदि किसी पहाड़े में संख्या कटती है तो हमें काटना है, दो दो के पहाड़े में दोनों कटती है, कोई एक काटना, ठीक है एक काट दिया, तो संख्या 10 है इधर 3 है, 10 का 3 से गुणा किया, गुणा किया तब क्या आया 30 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था प्रश्न नंबर 3 त्रिभुज से संबंधित। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।